Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, today we are starting with topic on government audit. Yes friends, हम बात करने जा रहे that is government audit. दोस्तों, government audit की बात कर रहा हूं. जरा सब लोग ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से ध्यान देना गाइस. गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर अलग अलग टॉपिक है छोटे छोटे. तो यहां पे गवर्नमेंट ऑडिट में ना सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ऑडिट कैसे करोगे, तो इसमें 5 पॉइंट याद रखना दोस्तों. सबसे पहला पॉइंट, पहली बात तो कौन करेगा सर, सीएजी. देखो लिखा वहां पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ सीएजी. ठीक है, अब इसमें क्या चेक करेंगे, सबसे पहला ऑडिट अगेंस्ट द रूल्स एंड ऑर्डर, पहले पॉइंट है समझो. दूसरा ऑडिट ऑफ सैंक्शन, तीसरा ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑन फंड, चौथा प्रोप्राइटरी ऑडिट, पांचवा परफॉर्मेंस ऑडिट. चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर. सर हम लोग ऑडिटर्स हैं, हम कहीं भी ऑडिट करने जाएंगे ना दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के जो लोग है, एम्प्लॉई है, उन्होंने जो भी गवर्नमेंट के खर्चे किए वो इस पर रूल्स एंड ऑर्डर हुआ है क्या, वेस्ट तो नहीं हुआ है, प्रॉपर है क्या, रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए. सेकंड पॉइंट, सैंक्शन चेक करेंगे, प्रोविजन ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन चेक करेंगे सर. मतलब सर जो भी खर्चा हुआ है क्या वो सैंक्शन बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो अमाउंट सैंक्शन हुआ था कि नहीं, अपनी मर्जी से तो नहीं खर्चा कर रहे हो राइट ना. तो हम चेक करेंगे जो भी खर्चा हो रहा है वो सैंक्शन हुआ था कि नहीं ऊपर से बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे दैट इज ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड, जो भी खर्चा हुआ है एज पर प्रोविजन हुआ रहना चाहिए सर, जितना पास हुआ रहना चाहिए उतना हुआ रहना चाहिए. हमारे इंडिया में ज्यादा हो जाता है खर्चा, पास हुआ 1000 करोड़ खर्चा कर रहे हो 1200 करोड़, अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रोविजन ऑफ फंड, जितना फंड पास हुआ उतना ही खर्चा करो, उससे ज्यादा मत. अब चेक करो खर्चा उसके हिसाब से गिरी. नेक्स्ट प्रोप्राइटरी ऑडिट, गाइस व्हाट इज मीन बाय प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, सिंपल खुद का मनी समझ के यूज करने का, मतलब स्वतः से पैसे समझो वापराय से, वेरी क्लियर है. यस, खुद का मनी समझ के यूज करने का सर. इसका मतलब सर हम अपने मनी कितना अच्छे से खर्चे करते संभाल के, तो हम लोग ऑडिटर है सर, हम देखेंगे गवर्नमेंट के जो लोग है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट का पैसा दैट इज हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा प्रॉपरली खर्चा कर रहा है कि नहीं, वेस्ट तो नहीं कर रहा है, इम्प्रॉपर खर्चा तो नहीं कर रहा है. अब चेक कर लो गाइस राइट ना, चेक करना जरूरी है ना सर. यस, उसके बाद गाइस हम बात करें परफॉर्मेंस ऑडिट, गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा किया है, गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसका परफॉर्मेंस चेक करो, जो भी प्रोग्राम है उसका परफॉर्मेंस चेक करो, कितना सक्सेसफुल है प्रोग्राम. अब चेक कर लो गाइस, मतलब सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना. सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर देना ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए, ऑडिट ऑफ सैंक्शन सेक्शन देख लो, तीसरा प्रोविजन ऑफ फंड पॉइंट चेक कर लो, चौथा प्रोप्राइटरी ऑडिट का कंसेप्ट चेक कर लो, और लास्ट का उसमें चेक कर लेना परफॉर्मेंस ऑडिट. वेरी क्लियर है? यस यस गाइस, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे, आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो छोटा सा हेडिंग, रोल्स ऑफ सीएजी, सीएजी का रोल क्या है इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. सर ये सेक्शन में ना थोड़ा बहुत हमने कहां पे देखा था, मैं आपको एक हिंट दू, सेक्शन कंपनी ऑडिट में देखा था सेक्शन 143 सबसेक्शन 5-6-7, वहां पे देखा था सर. अगर इन चीजों को और अच्छे समझना है तो पहले वो सेक्शन पढ़ना जाके, ठीक है. चलिए यहां पे बात करें सीएजी का क्या रोल है सर, सीएजी का रोल से इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना ऑडिटर को,
ऑडिट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देना। दूसरा रोल है सीएजी का, यहां पे सीएजी चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है, टेस्ट चेक कर सकता है, कमेंट चेंज कर सकता है सीएजी चाहे तो। तो यहां पे रोल क्या है सीएजी का, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन देना ऑडिटर को। दूसरा इसका रोल है टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट, इन एडिशन टू दैट वो कमेंट भी कर सकता है इफ ही थिंक फिट। आई होप आपको समझ रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हो। यस गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपको समझेगा। ड्यूटीज ऑफ सीएजी, देखो दोस्तों इसके पहले हमने क्या किया अभी तक, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बाद हमने किया रोल्स, अब हम देखने जा रहे ड्यूटीज ऑफ सीएजी। सर सीएजी का क्या ड्यूटीज है, क्या ड्यूटीज है बताओ। तो सर ध्यान देना, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ सकता है चार मार्क के लिए। ड्यूटीज ऑफ सीएजी, हम बात करें गवर्नमेंट ऑडिट दोस्तों, ठीक है। अच्छा सर यहां पे सबसे पहला ड्यूटीज है सीएजी का, कंपाइल एंड सबमिट द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, पूरे इंडिया का अकाउंट्स को कंपाइल करना, सबमिट करना, किसका काम है सीएजी का, ड्यूटीज एक रहे। सीएजी का ड्यूटीज है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, ऑडिट करना किसका, ऑडिट ऑफ ऑल इनकम्स, दूसरा ऑल एक्सपेंस, और तीसरा ऑल ट्रांजेक्शंस, सबको ऑडिट करना, ऑडिट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ ऑल इनकम, ऑडिट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। वेरी क्लियर गाइस, यस। आगे बढ़ते देखो, सबसे पहला ड्यूटीज क्या है सीएजी का, कंपाइल करना अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट, दूसरा काम है ड्यूट ऑडिट करना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो भी रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना। नेक्स्ट काम है उसका ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लोन, गवर्नमेंट के ग्रांट्स एंड लोन को ऑडिट करना। नेक्स्ट काम है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट, राइट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रिसिप्ट है उसको चेक करना, ऑडिट करना। स्टोर्स एंड स्टॉक को चेक करना, उसका काम है ऑडिट करना, और गवर्नमेंट कंपनीज को चेक करना, ये भी उसकी ड्यूटीज है। मतलब सर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखना है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, रेड करके समझ सकता है एक सीएजी का क्या ड्यूटीज है। एक अगर एक समरी फॉर्म में एक सीएजी का क्या ड्यूटीज है, एक सीएजी का ड्यूटीज है सर यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स को कंपाइल करना, ऑडिट करना, दैट इज ऑडिट क्या, ऑल इनकम, ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल एक्सपेंस, उसके बाद ऑडिट करना रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट करना गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डोनेशन, ऑडिट करना गवर्नमेंट लोन्स, स्टॉक एंड शेयर्स का ऑडिट करना, ये सब काम है, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करना। वेरी क्लियर, एक था ड्यूटीज। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ गए, दैट इज पावर ऑफ सीएजी। सीएजी का क्या पावर है सर विद परफॉर्मेंस ऑडिट, सीएजी का क्या पावर है, सीएजी का पावर है सर, पहला पावर है टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस अकाउंट अंडर द स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। सीएजी का पावर है सर कोई भी स्टेट कोई भी यूनियन गवर्नमेंट की जाके बुक्स को इंस्पेक्शन कर सकता है, उसका पावर है, उसके ऑफिस को जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, पावर है सर उसका। दूसरा उसका पावर है सर सीएजी चाहे तो कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हो मंगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसका पावर है गाइस, तो कोई भी ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट उसे इंक्वायरी कर सकता है, तीन पावर है उसके पास। सी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया छोटा सा पावर ऑफ सीएजी, तो क्या क्या सीएजी के पावर है, लेट्स सर सीएजी का पावर है इंस्पेक्शन का, ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिस को इंस्पेक्शन कर सकता है, दूसरा बुक से मंगवा सकता है एग्जामिनेशन करने के लिए, तीसरा इंफॉर्मेशन मांग सकता है इंक्वायरी कर सकता है इन ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके पावर है। यस फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ गए, हम बात करें गवर्नमेंट ऑडिट की, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए, आप देख सकते हो दैट इज प्रोबेटरी ऑडिट। मतलब यहां पर हम क्या चेक करेंगे सर, हम देखेंगे गवर्नमेंट के जो लोग हैं इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी तो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे
ऑर्डर मेड बाय डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट ऑफ सम थर्ड पार्टी और सम पर्सन, पब्लिक मनी को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, कोई पर्सनल प्रॉफिट पे नहीं जनरेट किया जा रहा है, वेस्टेज को अवॉइड किया जा रहा है कि नहीं, और एक्सपेंस जो भी हो रहा है ऑप्टिमम तरीके से यूज किया जा रहा है कि नहीं, उसको ऑप्टिमम तरीके से खर्च किया जा रहा है कि नहीं, अब चेक कर लो। इसके अंदर एक छोटा सा और एक था परफॉर्मेंस ऑडिट, मतलब उसमें हम लोग देखते गवर्नमेंट ऑडिट में जो भी गवर्नमेंट के खर्चे उसका परफॉर्मेंस चेक करना, खर्चे का कितना इफेक्टिव तरीके से खर्चा हुआ है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। तो यहाँ पे गाइज हमने सब गवर्नमेंट ऑडिट पे थोड़ा एक क्विक मैनर में आपको मैंने गवर्नमेंट ऑडिट करवा दिया है। एक समरी बता देता हूं, हमने गवर्नमेंट ऑडिट में क्या क्या डिस्कस किया। हमने गवर्नमेंट ऑडिट में ए डिस्कस किया, सबसे पहला हमने ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की, उसमें 5 पॉइंट है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड, उसके बाद हमने उसमें देखा था प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट वो देखा, उसके बाद हमने बात की पावर क्या है, राइट, रूल्स क्या, रूल्स दो रूल्स था, डायरेक्शन देने का, सप्लीमेंट ऑडिट करने का, उसके बाद हमने देखा ड्यूटीज क्या है, अकाउंट्स के कंपाइल करना, वो सब हमने देखा, उसके बाद नेक्स्ट साइड पे हमने देखा पावर क्या है, बुक्स मंगाने का, इंस्पेक्शन करने का, इंफॉर्मेशन इंक्वायरी करने का, वो सब, उसके बाद हमने देखा गाइस देयर इज प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस के बारे में देखा हमने थोड़ा, वेरी क्लियर है गाइस, यस। Thank you so much friends for watching this video. Please like and subscribe our channel. That is Ikeda. Thank you so much.